नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फ्रेंड, कल जमशेदपुर वर्सेस बोकारो का मुकाबला है झारखंड T20 में, जो कि मुकाबला क्योंकि बहुत अच्छा होने वाला है तो इस मुकाबले को देखने वाला होगा। जहां तक जमशेदपुर की टीम है वो बहुत अच्छी लग रही है, पूरी फॉर्म में है, वहीं बोकारो भी अपना एक जलवा दिखा चुकी है। दोनों ही बहुत बढ़िया टीमें हैं और इसमें जो टीम सिलेक्शन होगी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको एक टीम देने वाला हूं जिससे आप एक अच्छा रिटर्न पाएंगे ड्रीम 11 में। तो फ्रेंड्स, इंतजार मत करिए, सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबाइएगा इस वीडियो के बाद, और स्किप मत करिएगा यार। तो फ्रेंड, बात करते हैं कि जमशेदपुर और बोकारो की टीम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कौन से प्लेयर हमें चुनने हैं और कौन से नहीं। आइए, जो मैं टीम बना रखी है उस पर बात करते हैं। तो मैंने प्रवीण कुमार को सेलेक्ट करा है, जो कि एक कमाल के प्लेयर हैं और कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अच्छे प्लेयर हैं और पिछले मैच में भी एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तो आप इनको ले सकते हैं। प्रवीण कुमार, बी आनंद, ये दोनों ही जमशेदपुर और बोकारो की तरफ सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाले हैं, इनके बिना मत जाइएगा। दोनों ही विकेट कीपर आपके लिए इंपॉर्टेंट्स रहेंगे और कैच भी पकड़ लेते हैं पीछे, तो आपके लिए एक पॉजिटिविटी रहेगी। कैप्टन वाइस कैप्टन भी एक अच्छे दावेदार बन सकते हैं। बाद में इस वीडियो में बताऊंगा कि कैप्टन और वाइस कैप्टन के आपके लिए कौन कौन से सजेशन है और क्यों है। बात करते हैं बैट्समैन की, तो के सूरज जो कि कमाल के प्लेयर हैं, हालांकि पिछले कुछ मैचों से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, लेकिन एक कमाल का है इनका स्कोर और कुछ रणजी मैचेस में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो इनको लिया है। एस सेतु, जिन्होंने अब तक हाईएस्ट स्कोर करे हैं और इनका सिलेक्शन पक्का है, इनको लीजिएगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं सिलेक्शन रेट भी 95% है, तो इनको कोई नहीं छोड़ने जाता। विनय कुमार होंगे और विशाल सिंह होंगे, विशाल सिंह को आप कभी मत छोड़िएगा, सेकंड रनर हाई स्कोर हैं और ये सारे प्लेयर टॉप के हैं, आप इनके बगैर मत जाइएगा, ये आपको जीत दिलवाने में बड़ी हेल्प करेंगे। ऑप्शंस बता देता हूँ इनके अलावा, अगर आपको लेने हैं तो कुछ खास ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ से सौरभ तिवारी को ले सकते हैं, बस ये ही हैं जो आप इन प्लेयर के अलावा लेना चाहते हैं। तो ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो विनीत सिंह काफ़ी अच्छे हैं, वहीं एस चक्रवर्ती, दोनों ही ऑलराउंडर्स परफॉर्मेंस कर रहे हैं, खासकर विनीत सिंह, इनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी चल रही है, पहले मैच में 3 विकेट निकाल लेते तो आप इनको ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर रमलदीप सिंह और अर्शदीप सिंह भी हो सकते हैं अगर आपको ऑप्शन चाहिए। ध्यान से सुनिए, अगर आपको ऑप्शन चाहिए, अगर आप मेरी टीम के साथ जाना चाहते हैं तो यही प्लेयर लीजिए। बॉलर्स की बात करिए तो यादव जी काफ़ी अच्छे परफॉर्म हैं, पहले मैंने ठीक ठाक परफॉर्म किया, तो पहले मैच खेले नहीं थे, चोट लग गई थी इनका जो आया था स्टेटमेंट, लेकिन इस मैच में ये फिट होंगे तो आप इनको ले सकते हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं, विकेट लेते हैं। वहीं प्रवीण यादव और नीतीश कुमार दोनों ही मैच में आपके लिए यादगार बनाएंगे, खासकर जो प्रवीण यादव जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं रेगुलरली। तो ये सारी मैंने टीम बनाई है जिसमें 3 बॉलर्स हैं, 2 ऑलराउंडर्स हैं, 4 बैट्समैन, 2 विकेटकीपर। आइए इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, तो बी आनंद आपके लिए बेस्ट चॉइस है, वहीं विनीत सिंह, यहाँ पर विशाल सिंह भी अच्छे हैं, और के सूरज और प्रवीण कुमार और एस चक्रवर्ती, आप इनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरी फेवरेट हैं आनंद और विशाल सिंह, अब इनके साथ जाएंगे, मुझे लगता है कि ये दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, बनाइए अपनी ड्रीम 11 की टीम, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।